मौसम का मिजाज, अगले एक दो दिन तक यूं ही चलेगा बारिश का सिलसिला, तालाबों के वाटर लेवल में भी इजाफा। अगले 24 घंटों में कम दबाव के क्षेत्र है जो उत्तरी मध्य प्रदेश के मध्य भाग में अमेठी नदी से मध्य प्रदेश के इस मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है और कहीं कहीं पर भारी वर्षा भी हो सकती है। भोपाल में शासकीय प्रेस में रिश्वत लेते रीडर गिरफ्तार, 5,000 की मांगी थी रिश्वत, लोकायुक्त की टीम ने की कार्रवाई। उनको बार बार परेशान कर रहे थे और रिश्वत की मांग कर रहे थे, तो आज उनको जो है भोपाल में युवा कांग्रेस के प्रवक्ता के चयन के लिए यंग इंडिया के बोल भाषण प्रतियोगिता लॉन्च, संभाग स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ता तक का होगा चयन। नॉन पॉलिटिकल परिवार के व्यक्ति को भी आगे आने का मौका देते हैं कि आप राजनीतिक पटल पर आके अपनी बात को रखिए, ताकि आपकी बातचीत आपके घर तक सीमित न रहे, आपके गली मोहल्ले तक सीमित न रहे, जबकि आपकी आवाज को आपके इलाके से बाहर एक पहचान मिले। भोपाल में कांग्रेस ने लिया बड़ा फैसला, राज्यसभा चुनाव में नहीं उतारेंगे प्रत्याशी, बीजेपी का पलड़ा भारी देखते हुए पीछे हटी कांग्रेस। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने तो निर्णय लिया है कि कांग्रेस पार्टी इस एक सीट के लिए अपना कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं करेगी। देवपालपुर में भी मौसमी बीमारियों के खिलाफ निकाली गई जागरूकता रैली, लोगों से की सावधान रहने की अपील, दवाई छिड़काव का अभियान भी जारी। यह अभियान का मूल उद्देश्य यह था कि लोगों को डेंगू के बारे में सचेत करें और उन्हें जैसे साफ पानी में पनपता है, पानी इकट्ठा न होने दे, घर के आसपास गंदगी न होने दे, और इस तरह के कुछ एडवाइजेज जो जारी हुई है, तो उसमें पंपलेट के माध्यम से आज वितरण किया गया। दतिया में पूर्व विधायक राजेंद्र भारती की जमानत याचिका खारिज, किराएदार को धमकाने और जातिगत टिप्पणी करने का लगा है आरोप। सूरजपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन, तहसील कार्यालय में प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, मांगों को पूरा करने की अपील। भारत सरकार को हम चेताना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ शासन को चेताना चाहते हैं, आप जो है महंगाई पर रोक लगाए, इसलिए रैली आज का। शिवपुरी में युवती से मोबाइल लूटकर भागे आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, आगे की कार्रवाई करने में जुटी पुलिस। सरकारी महोदय के निर्देश अनुसार उसकी ने खोजबीन की, आज आरोपी महेंद्र को मोबाइल एवं घटनाओं में प्रयुक्त मोटरसाइकिल के गिरफ्तार कर लिया, जिसको आज न्यायालय पेश किया जाएगा। उज्जैन के हाईलाइट होटल में अवैध गतिविधियों के खिलाफ हिंदू जागरण मंच ने खुला मोर्चा, पुलिस कप्तान को ज्ञापन देकर होटल तोड़ने की मांग की। उज्जैन में भारतीय किसान संघ ने अनुविभागीय अधिकारी को दिया ज्ञापन, समस्याओं का जिक्र करते हुए निराकरण के लिए की मांग। देवास के नेवाबर में अभिषेक जैन का सीए फाइनल करने के बाद घर वापसी पर स्वागत, विधायक, थाना प्रभारी और नगर परिषद सीएमओ भी बधाई देने पहुंचे। मनावर में स्वास्थ्य विभाग और नगर पालिका ने निकाली जागरूकता रैली, डेंगू से बचाव को लेकर दी जानकारी, सांसद और विधायक भी रैली में हुए शामिल। महाअभियान है 17 तारीख को, उसी को ध्यान में रखते हुए जागरूकता रैली यहां पर पूरी ब्लॉक स्तरीय प्रशासन के द्वारा निकाली जा रही है। सिवनी विवाद के बाद आपस में हुए दो पक्ष, शमशान घाट में अंत्येष्टि कार्यक्रम न करने देने को लेकर शुरू हुआ था विवाद, पुलिस और नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे। हमने मौके पर जाके समझाइश की और उसके बाद समझाइश के बाद वहां पे अंत्येष्टि संपन्न हुई शांतिपूर्ण तरीके से, और फिर दोनों पक्षों की जो आगे की कार्यवाहियां हैं वो हमने स्टार्ट करवा दी। रतलाम में डेंगू के खिलाफ निकाली गई जागरूकता रैली, जनप्रतिनिधि और क्राइसिस मैनेजमेंट के सदस्य हुए शामिल, लोगों से की सावधानी बरतने की अपील।
दादर की भारतीय किसान संघ ने सीएम के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, समस्याएं बताते हुए निराकरण के लिए की मांग। गेहूँ की बचाई के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए और उसी के साथ साथ सभी पूरी टीम जनप्रतिनिधियों के साथ हम लोग यहाँ पे अभियान चालू किए हैं और सभी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता। बेमेतरा में दो दिन से लगातार हो रही बारिश से सुरहई नदी का जलस्तर बढ़ने से डूबा पुल, पुल के दोनों तरफ लगी गाड़ियों की कतार। नेपालपुर में भी मौसमी बीमारियों के खिलाफ निकाली गई जागरूकता रैली, लोगों से भी सावधान रहने की अपील, दवाई छिड़काव का अभियान भी जारी। ये अभियान का मूल उद्देश्य ये था कि लोगों को डेंगू के बारे में सचेत करें और उन्हें जैसे साफ पानी में पनपता है, पानी इकट्ठा न होने दे, घर के आसपास गंदगी न होने दे। और धार में पूर्व वन मंत्री उमंग सिंगार के प्रतिनिधि का शर्मनाक कारनामा, पिटाई करते वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने दर्ज किया केस। उसके साथ सार्वजनिक स्थान पर मारपीट की गई और उसको हरेस्ट किया गया, उस आधार पर विभिन्न धाराओं में थाना टांडा के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना में लिया गया है। जबलपुर में बीजेपी करेगी शहीद स्थलों और स्मारकों का संरक्षण, आदिवासी समाज को साधने का प्रयास, कांग्रेस पर शोषण करने का लगाया आरोप। सर, कांग्रेस का कोई लक्ष्य न था न उद्देश्य था। जब भारतीय जनता पार्टी ये उत्थान कर रही है, भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों का विकास की बात करती है, तब जाकर कांग्रेस को ये लगा कि अब हमें भी इनके साथ चलना चाहिए, ऐसा लगा। खंडवा के ओमकारेश्वर पहुंचे इंदौर रेंज के आईजी की अपराधियों को चेतावनी, कहा अपराधियों पर लगाम रखने के लिए तत्परता से जुटी रहेगी पुलिस। कोरिया में चोरी की शिकायत पर हुई पुलिस की कार्रवाई पर उठे सवाल, गिरफ्तार आरोपियों के परिजनों का दावा, प्रेम प्रसंग के चलते युवती ने खुद निकाल कर दिए थे जेवरात। जो भेजा गया था उसको भी गिरफ्तार किया जा चुका है और बाकी जो अन्य साक्ष्य हैं उनको जो नहीं गिरफ्तारी उनको जो है कार्रवाई किया जा रहा है। मंदसौर में डेंगू और मलेरिया को लेकर प्रशासन ने चलाया जन जागरण अभियान, शहर के कई हिस्सों से निकाली गई रैली, प्रशासनिक अधिकारी भी रैली में हुए शामिल। गंदे पानी के जो गड्ढे वगैरह हैं उनमें भी मिट्टी का तेल, जला हुआ जो ऑयल होता है ट्रैक्टर वगैरह का, वो भी डालें। मंदसौर में सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से खुले महाविद्यालय, कोविड वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र होगा चेक, परिजनों का अनुमति पत्र भी रहेगा जरूरी। कोविड-19 के जो भी नॉर्म्स हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग का नाम्स है, हैंड सैनिटाइजर का जो नाम्स है और आपके जैसे कहने मास्क का जो नाम्स है, उसके साथ 50% उपस्थिति के साथ आप महाविद्यालय को सचाली। नीमच के ग्वालटोली तालाब में डूबने से दो मासूमों की हुई मौत, नहाने के दौरान पैर फिसलने से हुआ हादसा, परिवार में फैली शोक की लहर। और जिला भी इससे चर्चा करती और जो राशि उनके परिवार को अधिक। रायगढ़ में गरपोश स्टेशन पर ट्रेन स्टॉपेज के लिए लोगों ने किया रेल रोको आंदोलन, आंदोलन की वजह से 12 घंटे प्रभावित रही हावड़ा मुंबई रेल लाइन। रायपुर में पीएम के जन्मदिन पर लगेगा रक्तदान और स्वास्थ्य शिविर, टीकाकरण अभियान पर भी रहेगा फोकस, लोगों को किया जा रहा जागरूक। सेवा और समर्पण अभियान जो कि 17 सितंबर माननीय मोदी जी के जन्मदिन से चालू होकर 7 अक्टूबर तक के चलेगी। 20 दिन का यह सेवा और समर्पण का अभियान जो है पूरा भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश के सभी जिलों में सम्पन्न करेगा। रायपुर में दो दिन के अंदर हत्या की दो वारदातों से फैली सनसनी, आमानाका में विवाद के चलते बेटे ने पिता को उकसारा मौत के घाट।
मिर्जा जो है मृतक की जो पत्नी है अभी उनके भैया भैया पंजीबद्ध किया गया और सब उपरक्षार और सब परीक्षा के लिए सुना भी रखा गया सारी कार्रवाई की जाएगी। रायपुर में पीएम के जन्मदिन पर सेवा ही समर्पण अभियान चलाएगी बीजेपी। पिछड़ा वर्ग गरीबों और किसानों के लिए बनाई योजनाओं की देगी जानकारी। स्वास्थ्य संबंध गतिविधि होगी जिसमें रक्तदान स्वास्थ्य शिविर और टीकाकरण अभियान से जुड़ेंगे। सेवा के संकल्प है फलों का वितरण दिव्यांगों की सहायता। रायपुर में बनेगा मानव निर्मित जंगल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की तारीफ। मौके पर पहुंचकर लगाया बरगद का पौधा। सम्राट मेहरपोच के गुर्जर वंशज होने को लेकर छिड़ी बहस। गुर्जर समाज के जनप्रतिनिधियों ने पत्रकार वार्ता की आयोजित। सम्राट मेहरपोच का बताया इतिहास। जो महापुरुष हैं उनका उज्जवल चरित्र और उनकी राष्ट्रभक्ति उनका पराक्रम उनका पौरुष आज की पीढ़ी के सामने प्रकट होना चाहिए ताकि ये पीढ़ी उनसे प्रेरणा लेकर के। नवागत एसपी दीपक शुक्ला ने थानों का किया निरीक्षण। विभाग के अधिकारियों से की मुलाकात। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने के दिए निर्देश। करें गौवंश परिवहन की बात करें इन सभी विषयों को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और हम जैसा कि आप लोग भी देख रहे होंगे प्रतिदिन हमारी कार्रवाइयां जारी हैं और इन कार्रवाइयों को हम सतत जारी रखेंगे और प्रयास करेंगे कि इन अपराधों पर अंकुश लग सके। अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन गांवों में लोगों को वैक्सीनेशन के लिए किया जा रहा जागरूक। सीएमएचओ ने रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। अलग अलग दूरस्थ गांवों में जाकर जागरूक करेंगे कोरोना के वैक्सीनेशन के लिए लोगों को। ये रथ एक दिन में 3-4 गांव में जाएगा वहां पर ऊपर सभाएं भी करेगा। इनके पास आईटी मटेरियल है लोगों को जागरूक करेगा। तालाब में डूबने से 2 युवकों की मौत। सेल्फी लेने के चक्कर में गई युवक की जान। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा। प्रशासन में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री से और जिलाधीश से चर्चा करके और जो राशि उनके परिवार को अधिक। बिजली की चोरी रोकने विभाग ने चलाया अभियान। बनाए 5 प्रकरण। पेट्रोल पंप संचालक पर भी की कार्रवाई। कि कुछ बड़े लोग विद्युत चोरी में संलिप्त हैं हम लगातार उनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज करने की कार्रवाई कर रहे हैं डेली लगभग। दिल्ली में भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य के फर्म पर जीएसटी का छापा। टीम ने एक साथ कई ठिकानों पर की कार्रवाई। करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी का अनुमान। राज्य सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल अभियान शुरू। कांग्रेस ने 17 सूत्रीय मांगों को लेकर जन आक्रोश पद यात्रा निकाली। कांग्रेस विधायक ने प्रदेश सरकार पर लगाया आरोप। आज जन आक्रोश पद यात्रा मध्य प्रदेश सरकार और नगर निगम प्रशासन के खिलाफ पूरे क्षेत्र में भ्रमण कर रही है।